ईश्वर दर्शन साकार तथा निराकार। एक ब्रह्म भक्त ने पूछा, महाराज ईश्वर को क्या कोई देख सकता है? अगर देख सकता है तो हमें वे क्यों नहीं देखने को मिलते? हाँ, वे अवश्य देखने को मिलते हैं। साकार रूप देखने में आता है और फिर अरूप भी दिख पड़ता है। परंतु ये तुम्हें समझाऊं किस तरह? हम उन्हें किस उपाय से देख सकते हैं? व्याकुल होकर उनके लिए रो सकते हो, लड़के के लिए, स्त्री के लिए, धन के लिए लोग आंसुओं की झड़ी बांध देते हैं, परंतु ईश्वर के लिए कौन रोता है? जब तक लड़का खिलौने पर भूला रहता है, तब तक माँ रोटी पकाना आदि घर के कामों में लगी रहती है। जब लड़के को खिलौना नहीं सुहाता, उसे फेंक गला फाड़ कर रोने लगता है, तब माँ तवा उतार कर दौड़ आती है, बच्चे को गोद में उठा लेती है। ब्रह्म भक्त पूछता है, महाराज ईश्वर के स्वरूप पर इतने भिन्न भिन्न मत क्यों हैं? कोई कहता है साकार और कोई कहता है निराकार। फिर साकारवादियों से तो अनेक रूपों की चर्चा सुन पड़ती है, यह गोरख धंधा क्यों रचा है? जो भक्त जिस प्रकार देखता है वह वैसा ही समझता है। वास्तव में गोरख धंधा कुछ भी नहीं। यदि उन्हें कोई किसी तरह एक बार प्राप्त कर सके तो वे सब समझा देते हैं। उस मोहल्ले में गए ही नहीं, कुल खबर कैसे पाओगे? अच्छा एक कहानी सुनो। एक आदमी शौच के लिए जंगल गया। उसने देखा कि पेड़ पर एक जंतु बैठा है। लौटकर उसने एक दूसरे से कहा, देखो जी, उस पेड़ पर हमने एक लाल रंग का सुंदर जीव देखा है। उस आदमी ने जवाब दिया, जब मैं शौच के लिए गया था तब मैंने भी देखा, पर उसका रंग लाल तो नहीं है, वो तो हरा है। तीसरे ने कहा, नहीं जी नहीं, हमने भी देखा है, पीला है। इसी प्रकार और भी कुछ लोग थे जिनमें से किसी ने कहा भूरा, किसी ने बैंगनी, किसी ने आसमानी आदि आदि। अंत में लड़ाई ठन गई। तब उन लोगों ने पेड़ के नीचे जाकर देखा, वहां एक आदमी बैठा था। पूछने पर उसने कहा, मैं इसी पेड़ के नीचे रहता हूं, उस जीव को मैं खूब पहचानता हूं। तुम लोगों ने जो कुछ कहा वो सब सत्य है। वह कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी आसमानी, और भी न जाने कितने रंग बदलता है। वह बहुरूपिया है, और फिर कभी देखता हूं कोई रंग नहीं। अर्थात जो मनुष्य सर्वदा ईश्वर चिंतन करता है वही जान सकता है कि उनका स्वरूप क्या है। वही मनुष्य जानता है कि वे अनेकानेक रूपों में दर्शन देते हैं, अनेक भावों में दीख पड़ते हैं, वे सगुण हैं और निर्गुण भी। जो पेड़ के नीचे रहता है वही जानता है कि उस बहुरूपिये के कितने रंग हैं। फिर कभी कभी तो कोई भी रंग नहीं रहता। दूसरे लोग केवल वाद विवाद करके कष्ट उठाते हैं। कबीर कहते थे, निराकार मेरा पिता है और साकार मेरी मां। भक्त को जो स्वरूप प्यारा है उसी रूप से वे दर्शन देते हैं। वे भक्त वत्सल हैं ना। पुराण में कहा है कि वीर भक्त हनुमान के लिए उन्होंने राम रूप धारण किया था। काली रूप तथा श्याम रूप की व्याख्या। वेदांत विचार के सामने नाम रूप कुछ नहीं ठहरते। उस विचार का चरम सिद्धांत है, ब्रह्म सत्य और नाम रूपों वाला संसार मिथ्या। जब तक मैं भक्त हूं यह अभिमान रहता है, तभी तक ईश्वर का रूप दिखाई देना और ईश्वर के संबंध में व्यक्ति पर्सन का बोध रहना संभव है। विचार की दृष्टि से देखें तो भक्त के मैं भक्त हूं
इस अभिमान ने उसे कुछ दूर कर रखा है। काली रूप या श्याम रूप 3.5 हाथ का इसलिए है कि वह दूर है। दूर होने ही के कारण सूर्य छोटा दिखता है। पास जाओ तो इतना बड़ा मालूम होगा कि उसकी धारणा ही ना कर सकोगे। और फिर काली रूप या श्याम रूप श्याम वर्ण क्यों है? क्योंकि वह भी दूर है। सरोवर का जल दूर से हरा, नीला या काला दिख पड़ता है। निकट जाकर हाथ में लेकर देखो, कोई रंग नहीं। आकाश दूर से ही नीला दिखाई देता है, पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। इसलिए कहता हूं, वेदांत दर्शन के विचार से ब्रह्म निर्गुण है। उनका स्वरूप क्या है यह मुंह से नहीं कहा जा सकता, परंतु जब तक तुम स्वयं सत्य हो तब तक संसार भी सत्य है। ईश्वर के नाम रूप भी सत्य हैं। ईश्वर को एक व्यक्ति समझना भी सत्य है। तुम्हारा मार्ग भक्ति मार्ग है, यह बड़ा अच्छा है, सरल मार्ग है। अनंत ईश्वर समझ में थोड़े ही आ सकते हैं, और उन्हें समझने की जरूरत भी क्या है? यह दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त कर हमें वो करना चाहिए जिससे उनके चरण कमलों में भक्ति हो। यदि लोटे भर पानी से हमारी प्यास बुझे तो तालाब में कितना पानी है इसकी नापतौल करने की क्या जरूरत? अगर आधे भर शराब से ही हम मस्त हो जाएं, तो कलवार की दुकान में कितने मन शराब है इसकी जांच पड़ताल करने से क्या लाभ? अनंत का ज्ञान प्राप्त करने का क्या प्रयोजन? ईश्वर लाभ के लक्षण, सप्त भूमि तथा ब्रह्म ज्ञान। वेदों में ब्रह्म ज्ञानी की अनेक प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन है। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। विषय वासना कामिनी कांचन के प्रति आसक्ति का लेश मात्र रहते ज्ञान नहीं होता। यह पथ कलिकाल में साधन करने योग्य नहीं। इस विषय में वेदों में सप्त भूमि 7 प्लेन्स का उल्लेख है। मन इन 7 सोपानों का विचरण किया करता है। जब वह संसार में रहता है तब लिंग गुदा और नाभि उसके निवास स्थल हैं। तब वह उन्नत दशा में नहीं रहता, केवल कामिनी कांचन में लगा रहता है। मन की 4थी भूमि है हृदय। तब चैतन्य का उदय होता है और मनुष्य को चारों ओर ज्योति दिखलाई पड़ती हैं। तब वह मनुष्य ईश्वरी ज्योति देखकर सविस्मय कह उठता है, यह क्या है, यह क्या है? तब फिर नीचे यानी संसार की ओर मन नहीं मुड़ता। मन की 5थी भूमि है कंठ। जिसका मन कंठ तक पहुंचा है उसकी सारी अविद्या संपूर्ण अज्ञान दूर हो गया है। ईश्वरी प्रसंग के सिवा और कोई बात न तो सुनने को और न कहने को उसका जी चाहता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरी चर्चा छेड़ता है तो वह वहां से उठ जाता है। मन की 6थी भूमि कपाल है। मन वहां जाने से दिन रात ईश्वरी रूप के दर्शन होते हैं। उस समय भी कुछ मैं रहता है। वह मनुष्य उस अनुपम रूप को देखकर मतवाले की तरह उसे छूने तथा गले लगाने को बढ़ता है, परंतु पाता नहीं। जैसे लालटेन के भीतर बत्ती को जलते देखकर मन में आता है कि छूना चाहें तो हम उसे छू सकते हैं, परंतु कांच के आवरण के कारण हम उसे छू नहीं पाते। शिरोदेश 7थी भूमि है। वहां मन जाने से
समाधि होती है और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। परंतु उस अवस्था में शरीर अधिक दिन नहीं रहता है, सदा बेहोश, कुछ खाया नहीं जाता, मुंह में दूध डालने से भी गिर जाता है। इस भूमि में रहने से 21 दिन के भीतर मृत्यु होती है। यही ब्रह्मज्ञानियों की अवस्था है। तुम लोगों के लिए भक्तिपथ है। भक्तिपथ बड़ा अच्छा और सहज है। समाधि होने पर कर्म त्याग। पूर्व कथा श्री रामकृष्ण का तर्पणादि कर्म त्याग। मुझसे एक मनुष्य ने कहा था, महाराज मुझे आप समाधि सिखा सकते हैं? सब हंस पड़ते हैं। समाधि होने पर सब कर्म छूट जाते हैं, पूजा जपादि कर्म, विषय कर्म सब छूट जाते हैं। पहले पहल कामों की बड़ी रेल पेल होती है, परंतु ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे कामों का आडंबर उतना ही घटता जाएगा। यहां तक कि नाम गुण कीर्तन तक छूट जाता है। श्री रामकृष्ण अब शिवनाथ से कहते हैं, जब तक तुम सभा में नहीं आए तब तक तुम्हारे नाम और गुणों की बड़ी चर्चा चलती रही, ज्यों ही तुम आए कि वे सब बातें बंद हो गईं। तब तुम्हारे दर्शन से ही आनंद मिलने लगा। लोग कहने लगे, ये लो शिवनाथ बाबू आ गए। फिर तुम्हारे बारे में और सब बातें बंद हो जाती हैं। मेरी यह अवस्था होने पर गंगा में तर्पण करने के लिए जाकर मैंने देखा, उंगलियों के भीतर से पानी गिरा जा रहा है। तब हलधारी से रोते हुए पूछा, दादा ये क्या हो गया? हलधारी बोला, इसे गलित हस्त कहते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद तर्पण आदि कर्म नहीं रह जाते। संकीर्तन करते समय पहले कहते हैं, निताई अमार माता हाथी, निताई अमार माता हाथी। मेरा निताई मतवाले हाथी की तरह नाच रहा है। भाव गहरा होने पर सिर्फ हाथी हाथी कहते हैं। इसके बाद केवल हाथी शब्द मुंह में लगा रहता है। अंत में हा कहते हुए भाव समाधि होती है। तब वे जो अब तक कीर्तन कर रहे थे चुप हो जाते हैं। जैसे ब्रह्म भोज से पहले खूब शोरगुल मचता है, जब सभी के आगे पत्तल पड़ जाती है तब गुल्लक पाड़ा बहुत कुछ घट जाता है, केवल पूड़ी लाओ की आवाज होती रहती है। फिर जब लोग पूड़ी तरकारी खाना शुरू करते हैं तब 12 आना शब्द घट जाता है, और जब दही आया तब सब सब शब्द मानो होता ही नहीं, और भोजन के बाद निद्रा, तब सब चुप। इसीलिए कहा कि पहले पहल कामों की बड़ी रेल पेल रहती है। ईश्वर के रास्ते पर जितना बढ़ोगे उतने ही कर्म घटते जाएंगे। अंत को कर्म छूट जाते हैं और समाधि होती है। गृहस्थ की बहू के गर्भवती होने पर उसकी सास काम घटा देती है। 9वें महीने में काम अक्सर नहीं करना पड़ता, और लड़का होने पर उसका काम बिल्कुल छूट जाता है। फिर वो सिर्फ लड़के की देखभाल में रहती है। घर गृहस्थी का काम सास ननद जेठानी ये सभी करती हैं। समाधि के बाद लोक शिक्षा। समाधिस्थ होने के बाद प्रायः शरीर नहीं रहता। किसी किसी का शरीर लोक शिक्षण के लिए रह जाता है, जैसे नारद आदिकों का और चैतन्य जैसे अवतार पुरुषों का। कुआं खुद जाने पर कोई कोई झोवा कुदाल फेंक देते हैं, कोई कोई रख लेते हैं, सोचते हैं
शायद पड़ोस में किसी दूसरे को जरूरत पड़े। इसी प्रकार महापुरुष जीवों का दुख देखकर विकल हो जाते हैं। ये स्वार्थी नहीं होते कि अपने ही ज्ञान से मतलब रखें। स्वार्थी लोगों की कथा तो जानते हो, कटी उंगली पर भी नहीं मूंदते कि कहीं दूसरे का उपकार ना हो जाए। सब हंसने लगते हैं। एक पैसे की बर्फी दुकान से ले आने को कहो तो उसमें भी कुछ साफ कर जाएंगे। सब हंसते हैं। परंतु शक्ति की विशेषता होती है, छोटा आधार यानी साधारण मनुष्य लोक शिक्षा देते डरता है। सड़ी लकड़ी खुद तो किसी तरह बह जाती है, परंतु एक चिड़िया के बैठने से भी वह डूब जाती है। नारद आदि बहादुरी लकड़ी हैं। ऐसी लकड़ी खुद भी बहती है और कितने ही मनुष्यों, मवेशियों, यहां तक कि हाथी को भी अपने ऊपर लेकर बह जाती है। ब्रह्म समाज की प्रार्थना पद्धति, ईश्वर का ऐश्वर्य वर्णन। पूर्व कथा, दक्षिणेश्वर के राधाकांत मंदिर में जेवर की चोरी। श्री रामकृष्ण शिवनाथ आदि से कहते हैं, क्यों जी तुम लोग इतना ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन क्यों करते हो? मैंने केशव सेन से यही कहा था। एक दिन केशव वहां काली मंदिर गया था। मैंने कहा, तुम लोग किस तरह लेक्चर देते हो मैं सुनूंगा। गंगा घाट की चांदनी में सभा हुई और केशव बोलने लगा। खूब बोला, मुझे भाव हो गया था। बाद में केशव से मैंने कहा, तुम यह सब इतना क्यों बोलते हो? हे ईश्वर, तुमने कैसे सुंदर सुंदर फूलों की रचना की, तुमने आकाश की सृष्टि की, तुमने नक्षत्र बनाए, तुमने समुद्र का सृजन किया, ये सब। जो स्वयं ऐश्वर्य चाहते हैं उन्हें ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन करना अच्छा लगता है। जब राधाकांत का जेवर चोरी गया था, तब रानी रासमणि के जमाता बाबू राधाकांत के मंदिर में जाकर ठाकुर जी से बोले, क्यों महाराज तुम अपने जेवर की रक्षा ना कर सके? मैंने बाबू से कहा, ये तुम्हारी कैसी बुद्धि है? स्वयं लक्ष्मी जिनकी दासी हैं, चरण सेवा करती हैं, उनको ऐश्वर्य की क्या कमी है? यह जेवर तुम्हारे लिए ही अमोल वस्तु है, ईश्वर के लिए तो कंकड़ पत्थर हैं। राम राम, ऐसी बुद्धिहीनता की बातें ना किया करो। कौन बड़ा ऐश्वर्य तुम उन्हें दे सकते हो? इसीलिए कहता हूं, जिसका मन जिस पर रम जाता है वह उसी को चाहता है। कहां वह रहता है, उसकी कितनी कोठियां हैं, कितने बगीचे हैं, कितना धन है, परिवार में कौन कौन है, नौकर कितने हैं, इसकी खबर कौन लेता है? देखो, जब मैं नरेंद्र को देखता हूं तब सब कुछ भूल जाता हूं। उसका घर कहाँ है, उसका बाप क्या करता है, कितने भाई हैं, ये सब बातें कभी भूल कर भी नहीं पूछी। ईश्वर के मधुर रस में डूब जाओ। उनकी सृष्टि अनंत है, ऐश्वर्य अनंत है, ज्यादा ढूंढ तलाश की क्या जरूरत? श्री रामकृष्ण मधुर कंठ से गाने लगे। गीत इस आशय का है, ए मन तू रूप के समुद्र में डूब जा, तलातल पाताल खोजने पर तुझे प्रेम रत्न धन मिलेगा। खोज, जी लगाकर खोज, खोजने ही से तू हृदय में वृंदावन देखेगा, तब वहां सदा ज्ञान की बत्ती जलेगी। भला ऐसा कौन है जो जमीन पर डोंगा चलाएगा? कबीर कहते हैं, तू सदा श्री गुरु का चरण चिंतन कर,
दर्शन के बाद कभी कभी भक्त की साध होती है कि उनकी लीला देखें। श्री रामचंद्र जी जब राक्षसों को मारकर लंकापुरी में घुसे तब बुढ़ी निकषा भागी। तब लक्ष्मण बोले, हे राम, भला ये क्या है? यह निकषा इतनी बुढ़ी है, पुत्र शोक भी इसको कम नहीं हुआ, फिर भी इसे प्राणों का इतना भय कि भाग रही है। श्री रामचंद्र जी ने निकषा को अभय देते हुए सामने लाकर कारण पूछा। वह बोली, राम, इतने दिनों तक बची हूं, इसीलिए तुम्हारी इतनी लीला देखी। यही कारण है कि और भी बचना चाहती हूं, न जाने और कितनी लीलाएं देखूं। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण अब शिवनाथ से कहते हैं, तुम्हें देखने को जी चाहता है, शुद्धात्माओं को बिना देखे किसको लेकर रहूंगा? शुद्धात्मा मेरे पिछले जन्म के मित्र जान पड़ते हैं। एक ब्रह्म भक्त ने पूछा, महाराज, आप जन्मांतर मानते हैं? हाँ, मैंने सुना है कि जन्मांतर होता है। ईश्वर का काम हम लोग अल्प बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं? अनेकों ने कहा है, इसलिए अविश्वास नहीं कर सकते। भीष्म देव देह छोड़ना चाहते हैं, शरों की शैया पर लेटे हुए हैं, सब पांडव श्री कृष्ण के साथ खड़े हैं, सबने देखा, भीष्म देव की आंखों से आंसू बह रहे हैं। इस पर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, भाई, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पितामह जो स्वयं भीष्म देव ही हैं, सत्यवादी, जितेंद्रिय, ज्ञानी, आठों वसुओं में से एक हैं, वे भी देह छोड़ते समय माया में पड़े रो रहे हैं। ये सब भीष्म देव से जब श्री कृष्ण ने कहा तब वे बोले, कृष्ण, तुम खूब जानते हो कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं। जब सोचता हूं कि स्वयं भगवान पांडवों के सारथी हैं, फिर भी उनके दुख और विपत्तियों का अंत नहीं होता, तब यही याद करके आंसू बहाता हूं कि परमात्मा के कार्यों का कुछ भी भेद न पाया। भक्तों के साथ कीर्तन आनंद। समाज गृह में संध्याकाल की उपासना शुरू हुई। रात के 8:30 बजे का समय है, चांदनी रात है। बगीचे के वृक्ष, लताएं, कुंज आदि शरतकालीन चंद्रमा की निर्मल किरणों में आप्लावित हो उठे। समाज गृह में संकीर्तन हो रहा है। श्री रामकृष्ण भगवत प्रेम से मतवाले होकर नाच रहे हैं। ब्राह्म भक्तगण मृदंग करताल लेकर उन्हें घेर कर नाच रहे हैं। भाव से भरे हुए सभी मानो ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। हरिनाम ध्वनि उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। चारों ओर के ग्रामवासीगण हरिनाम सुन रहे हैं और मन ही मन बगीचे के मालिक वेणी माधव को कितना धन्यवाद दे रहे हैं। कीर्तन हो जाने पर श्री रामकृष्ण ने जगन माता को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, भागवत भक्त भगवान, ज्ञानी के चरणों में प्रणाम है। साकारवादी भक्तों और निराकारवादी भक्तों के चरणों में प्रणाम है। पहले के ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में और आजकल के ब्रह्म समाज के ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में प्रणाम है। वेणी माधव ने अच्छे से अच्छे रुचिकर पकवान भक्तों को खिलाए। श्री राम कृष्ण ने भी भक्तों के साथ आनंद पूर्वक प्रसाद पाया। सर्कस में श्री राम कृष्ण, गृहस्थ तथा अन्यान्य कर्मयोगियों की कठिन समस्या। श्री रामकृष्ण गाड़ी से श्यामपुकुर विद्यासागर स्कूल के फाटक पर आ पहुंचे। दिन के 3 बजे का समय होगा। साथ में उन्होंने मास्टर को भी ले लिया। राखाल तथा अन्य 2-1 भक्त गाड़ी में हैं। आज बुधवार 15 नवंबर 1882 कार्तिक शुक्ला पंचमी है। गाड़ी चितपुर रास्ते से किले के मैदान की ओर जा रही है। श्री रामकृष्ण आनंदमय हैं। मतवाले की तरह गाड़ी से कभी इस ओर तथा कभी उस ओर मुख करके बालक की तरह देख रहे हैं और पथिकों के संबंध में भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। मास्टर से कह रहे हैं,
देखो सब लोगों को देखता हूं कैसे निम्न दृष्टि के हैं, पेट के लिए सब जा रहे हैं, ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं है। श्री रामकृष्ण आज किले के मैदान में विल्सन सर्कस देखने जा रहे हैं। मैदान में पहुंचकर टिकट खरीदी गई, 8 आने की अर्थात अंतिम श्रेणी की टिकट। भक्तगण श्री रामकृष्ण को लेकर ऊंचे स्थान पर जाकर एक बेंच पर बैठे। श्री रामकृष्ण आनंद से कह रहे हैं, वाह यहां से बहुत अच्छा दिखता है। सर्कस में तरह तरह के खेल काफी देर तक दिखाए गए। गोलाकार रास्ते पर घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े की पीठ पर एक पैर पर मेम खड़ी है, फिर बीच बीच में सामने बड़े बड़े लोहे के चक्र हैं। चक्र के पास आकर घोड़ा जब उसके नीचे से दौड़ता है तो मेम घोड़े की पीठ से कूदकर चक्र के बीच में से होकर फिर घोड़े की पीठ पर एक पैर पर खड़ी हो जाती है। घोड़ा बार बार तेजी के साथ उस गोलाकार पथ पर दौड़ने लगा, मेम भी फिर उसी प्रकार पीठ पर खड़ी हैं। सर्कस समाप्त हुआ। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ उतरकर मैदान में गाड़ी के पास आए। ठंड पड़ रही है, हरे रंग की शॉल ओढ़कर मैदान में खड़े खड़े बातचीत कर रहे हैं। पास ही भक्तगण खड़े हैं। एक भक्त के साथ में आपके लिए मसाले यानी लौंग इलायची आदि का एक छोटा सा बटुआ है, उसमें कुछ मसाले और विशेष रूप से कबाब चीनी है। पहले साधना बाद में संसार, अभ्यास योग। श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, देखो मेम कैसे एक पैर के सहारे घोड़े पर खड़ी है और घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है, कितना कठिन काम है। अनेक दिनों तक अभ्यास किया है तब तो ऐसा सीखा, जरा असावधान होते ही हाथ पैर टूट जाएंगे और मृत्यु भी हो सकती है। संसार करना इसी प्रकार कठिन है। बहुत साधन भजन करने के बाद ईश्वर की कृपा से कोई कोई इसमें सफल हुए हैं, अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। संसार करने जाकर और भी बद्ध हो जाते हैं, और भी डूब जाते हैं। जनक आदि की तरह किसी किसी ने उग्र तपस्या के बल पर संसार किया था, इसलिए साधन भजन की विशेष आवश्यकता है, नहीं तो संसार में ठीक नहीं रहा जा सकता। बलराम के मकान पर श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण गाड़ी पर बैठे। गाड़ी बाग बाजार से बसुपाड़ा में बलराम के मकान के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ दुमंजिले पर बैठक घर में जा बैठे। सायंकाल है, दिया जलाया गया। श्री रामकृष्ण सर्कस की बातें कर रहे हैं। अनेक भक्त एकत्रित हुए, उनके साथ ईश्वर संबंधी चर्चा हो रही है। मुख में दूसरी कोई भी बात नहीं है, केवल ईश्वर की बात। जाति भेद तथा अस्पृश्यों की समस्या। जाति भेद के संबंध में चर्चा चली। श्री रामकृष्ण बोले, एक उपाय से जाति भेद उठ सकता है, वह उपाय है भक्ति। भक्तों की जाति नहीं है, भक्ति होने से ही देह मन आत्मा सब शुद्ध हो जाते हैं। गौर निताई हरिनाम देने लगे और चांडाल तक सभी को गोद में लेने लगे। भक्ति न रहने पर ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, भक्ति रहने पर चांडाल चांडाल नहीं है। अस्पृश्य जाति भक्ति होने पर शुद्ध पवित्र हो जाती है। श्री रामकृष्ण संसारबद्ध जीवों की बात कर रहे हैं। वे मानो रेशम के कीड़े हैं, चाहे तो कोष को काट कर निकल आ सकते हैं, परंतु काफी प्रयत्न से कोष बनाते हैं, छोड़कर आ नहीं सकते, इसी से मरते हैं। फिर मानो जाल में फंसी हुई मछली, जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से निकल सकती है, परंतु जल की मीठी आवाज और दूसरी मछलियों के साथ खेलकूद इसी में भूल कर रह जाती है, बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करती। बच्चों की अस्फुट बातें मानो जल कल्लोल का मीठा शब्द है। मछली अर्थात जीव और परिवार वर्ग,
परंतु एक दौड़ से जो भाग जाते हैं उन्हें कहते हैं मुक्त पुरुष। श्री रामकृष्ण गाना गा रहे हैं, भावार्थ, महामाया की विचित्र माया है, कैसा मोहजाल फैला रखा है, जिसके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु भी अचैतन्य हैं, फिर जीव की क्या बात, बिछे हुए जाल में मछली प्रवेश करती है, पर आने जाने का रास्ता रहते हुए भी फिर उसमें से भाग नहीं सकती। जीव मानो दाल है, चक्की में पड़े हैं पिस जाएंगे, परंतु जो थोड़े से दाल के दाने खूंटी को पकड़ कर रहते हैं वे नहीं पिसते, इसलिए खूंटी अर्थात ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। उन्हें पुकारो, उनका नाम लो, तब मुक्ति होगी, नहीं तो काल रूपी चक्की में पिस जाओगे। श्री रामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं, भावार्थ, मां भवसागर में पड़कर शरीर रूपी यह नौका डूब रही है, हे शंकरी, माया की आंधी और मोह का तूफान अधिकाधिक तेज हो रहा है। एक तो मन रूपी मांझी अनाड़ी है, उस पर 6 खेवैये गंवार हैं, आंधी में मझधार में आकर डूबा जा रहा है। भक्ति का डांड टूट गया, श्रद्धा का पाल फट गया, नाव काबू से बाहर हो गई, अब मैं क्या उपाय करूं? और तो कोई उपाय नहीं दिखता, सोचकर लाचार हो रहा हूं। तरंग में तैरकर श्री दुर्गा नाम रूपी भेले को पकड़ता हूं। स्त्री पुत्रों के प्रति कर्तव्य। विश्वास बाबू बहुत देर से बैठे थे, अब उठकर चले गए। उनके पास काफी धन था, परंतु चरित्र भ्रष्ट हो जाने से सारा धन उड़ गया। अब स्त्री कन्या आदि किसी को भी नहीं देखते हैं। बलराम के उनकी बात उठाने पर श्री रामकृष्ण बोले, वह अभागा दरिद्री है, गृहस्थ के कर्तव्य हैं, ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, फिर परिवार का ऋण है, सती स्त्री होने पर उसका पालन पोषण, संतान जब तक योग्य नहीं बन जाते हैं तब तक उनका पालन पोषण करना पड़ता है। साधु ही केवल संचय नहीं करेगा, पंछी और दरवेश संचय नहीं करते हैं, परंतु मादा पक्षी के बच्चा होने पर वह संचय करती है, बच्चे के लिए मुख से उठाकर खाना ले जाती है। बलराम बोलते हैं, अब विश्वास बाबू की साधु संग करने की इच्छा है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं, साधु का कमंडलू 4 धाम घूमकर आता है, परंतु वैसा ही कड़वे का कड़वा रहता है। मलय की हवा जिन पेड़ों को लगती है वे सब चंदन हो जाते हैं, परंतु सेमल, बड़ आदि चंदन नहीं बनते। कोई कोई साधु संग करते हैं गांजा पीने के लिए, साधु लोग गांजा पीते हैं इसलिए उनके पास आकर बैठते हैं, गांजा तैयार कर देते हैं और प्रसाद पाते हैं, सभी हंस पड़ते हैं। षडभुज दर्शन। राजमोहन के मकान पर शुभागमन। नरेंद्र। श्री रामकृष्ण ने जिस दिन किले वाले मैदान में सर्कस देखा उसके दूसरे दिन फिर कलकत्ते में शुभागमन किया था। बृहस्पतिवार 16 नवंबर 1882 ईस्वी, कार्तिक शुक्ला षष्ठी। आते ही पहले पहल गरानहट्टा में षडभुज महाप्रभु का दर्शन किया। वैष्णव साधुओं का अखाड़ा है, महंत हैं श्री गिरधारी दास। षडभुज महाप्रभु की सेवा बहुत दिनों से चल रही है। श्री रामकृष्ण ने तीसरे प्रहर दर्शन किया। सायंकाल के कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण सिमुलिया निवासी श्री राजमोहन के मकान पर गाड़ी से आ पहुंचे।
श्री रामकृष्ण ने सुना है कि यहां पर नरेंद्र आदि युवक मिलकर ब्राह्म समाज की उपासना करते हैं, इसलिए वे देखने आए हैं। मास्टर तथा और भी दो एक भक्त साथ हैं। श्री राजमोहन पुराने ब्राह्म भक्त हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र को देख आनंदित हुए और बोले, तुम लोगों की उपासना देखूंगा। नरेंद्र गाना गाने लगे। युवकों में से श्री प्रिय आदि कोई कोई उपस्थित थे। अब उपासना हो रही है। नव युवकों में से एक व्यक्ति उपासना कर रहे हैं। वे प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान सब कुछ छोड़ तुम में मग्न हो जाऊं। श्री रामकृष्ण को देख संभवतः उनका उद्दीपन हुआ है, इसीलिए सर्व त्याग की बात कह रहे हैं। मास्टर श्री रामकृष्ण के बहुत निकट बैठे थे। उन्होंने ही केवल सुना, श्री रामकृष्ण मृदु स्वर में कह रहे हैं, सो तो हो चुका। श्री राजमोहन श्री रामकृष्ण को जलपान के लिए मकान के भीतर ले जा रहे हैं। मनोमोहन तथा सुरेंद्र के मकान पर श्री रामकृष्ण। रविवार 19 नवंबर 1882 ईस्वी, आज श्री जगद्धात्री पूजा है। सुरेंद्र ने निमंत्रण दिया है। वे भीतर बाहर हो रहे हैं, कब श्री रामकृष्ण आते हैं। मास्टर को देख वे कह रहे हैं, तुम आए हो और वे कहां हैं? इतने में श्री रामकृष्ण की गाड़ी आ खड़ी हुई। पास ही श्री मनमोहन का मकान है। श्री रामकृष्ण पहले वहीं पर उतरे, वहां पर जरा विश्राम करके सुरेंद्र के मकान पर आएंगे। मनमोहन के बैठक खाने में श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, जो असहाय दीन दरिद्र हैं उसकी भक्ति ईश्वर को प्यारी है, जिस प्रकार खली मिला हुआ चारा गाय को प्यारा है। दुर्योधन उतना धन उतना ऐश्वर्य दिखाने लगा, पर उसके घर पर भगवान न गए, वे विदुर के घर गए। वे भक्त वत्सल हैं, जिस प्रकार गाय अपने बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती है, उसी प्रकार वे भी भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। श्री रामकृष्ण गाना गाने लगे। भावार्थ है, उस भाव के लिए परम योगी युग युगांतर तक योग करते हैं। भाव का उदय होने पर वे ऐसे ही खींच लेते हैं जैसे लोहे को चुंबक। चैतन्य देव की आंखों से कृष्ण नाम से आंसू गिरने लगे थे। ईश्वर ही वस्तु है, शेष सब अवस्तु। मनुष्य चाहे तो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, परंतु वह कामनी कांचन का भोग करने में ही मस्त रहता है। सिर पर मणि रहते भी सांप मेंढक खाता रहता है। भक्ति ही सार है, ईश्वर का विचार करके भी उन्हें कौन जान सकेगा। मुझे भक्ति चाहिए, उनका अनंत ऐश्वर्य है, उतना जानने की मुझे क्या आवश्यकता है। एक बोतल शराब से यदि नशा आ जाए तो फिर ये जानने की क्या आवश्यकता है कि कलार की दुकान में कितने मन शराब है। एक लोटा जल से मेरी तृष्णा शांत हो सकती है। पृथ्वी में कितना जल है ये जानने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं।